बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैजान रिज़वी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 16 अक्टूबर 2022 है, दिन है जी संडे, इतवार का, रात के 10 बज रहे हैं इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि जब ये वीडियो अपलोड हो तो 17 अक्टूबर स्टार्ट हो चुकी हो। लेट वीडियो रिकॉर्ड करने की वजह क्या है, आज वीडियो मैंने बनानी ही नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसकी वजह है कि पाकिस्तान में ज़मीनी इंतखाबात थे, 8 हल्के कौमी असम्बली के और 3 हल्के सूबाई असम्बली के, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग वहाँ पर बिजी होंगे और मैं आपको रूस और यूक्रेन की खबरें सुनाने लग जाऊँ। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स के कॉमेंट्स रिसीव हुए मुझे गुज़िश्ता वीडियोज़ के कॉमेंट्स बॉक्स में, आप लोगों के इंतज़ार का, आप लोगों के प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और दूसरा, गैर हतमी गैर सरकारी नतायज जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जिनके मुताबिक PTI की बरतरी है ज़्यादातर नशिस्तों के ऊपर। 2 हल्के ऐसे हैं, एक कराची का और एक मुल्तान का। मुल्तान का वो हल्का जहाँ पर यूसुफ रजा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म के साहबजादे जो हैं वो खड़े हुए थे, तो वो 2 हल्के ऐसे हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है अभी तक के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक। बहरहाल बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के तनाज़े की। आपको याद होगा कि जब रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर स्ट्राइक्स की अभी रिसेंटली, तो दमित्री मेदवेदेव जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी। उन्होंने ये कहा था कि ये फर्स्ट एपिसोड है रशिया के रिएक्शन की। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि सेकंड एपिसोड क्या है जिसकी तैयारियां रूस ने स्टार्ट कर दी। उससे कबल थोड़ी सी मैप पर नजर डाल लेते हैं। आज 235वां रोज था रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का, काफ़ी दिनों से हमारी बात नहीं हुई। दूसरी स्टोरीज पर हम बात करते रहे, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि जो मैदान जंग की सूरत हाल है वो लाजमी बताइएगा। तो ये आपको नजर आ रहा होगा मैप। यूक्रेन की साइड की पहले बात कर लेते हैं। यूक्रेन ये कह रहा है कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, ईस्टर्न यूक्रेन में भी, सदरन यूक्रेन में भी, और स्पेशली सदरन यूक्रेन का जो इंपॉर्टेंट इलाका है खिरसोन, जिसे रशिया अपने साथ शामिल करने का ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है। तो यूक्रेन की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि हम खिरसोन में इतनी आगे बढ़ रहे हैं कि रूस ने इवैक्यूएशन का, इनखला का अनाउंस कर दिया है, अपने शहरियों को वहां से निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो इस बात को रशिया ने भी, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कंफर्म किया, और रशियन ऑफिशियल्स जो खिरसोन के हैं उन्होंने भी कंफर्म किया कि हम अपने शहरियों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई बहुत इंटेंस किस्म की जारी है खिरसोन रीजन के अंदर। और बहुत इंपॉर्टेंट खबर आज ही की, बिलगोरोद जो रशिया का सरहदी रीजन है जहां पर यूक्रेन बहुत ज्यादा हमले बिलगोरोद के अंदर करता रहता है, लेकिन आज कुछ डिफरेंट सीन हुआ। आज हुआ ये कि जो रिजर्व फौजी हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो मोबिलाइजेशन का जो अनाउंस किया था रूस के सदर ने, उसके बाद रिजर्व फौजी ट्रेनिंग कर रहे हैं बिलगोरोद के अंदर भी, डिफरेंट इलाकों में जो क्लिनिनग्राद है वहां पर भी ये ट्रूप्स जो हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बिलगोरोद में 2 हमला आवरों ने फायर खोल दिए इन रिजर्व फौजियों पर जो ट्रेनिंग कर रहे थे और मैदान जंग में जाने से पहले इन पर फायर खोल दिए, जिसके नतीजे में 2 हमलावरों की फायरिंग के नतीजे में 11 रिजर्व फौजी रूस के हलाक हो गए और 18 से ज़ायद जख्मी है। यूक्रेन ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन इसके पीछे कौन था? यूक्रेन ने यह कहा कि इसके पीछे थे ताजिकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हमला आवर थे, तो रिलीजियस कोई लड़ाई हुई थी, बहस हुई थी, जिसके बाद इन 2 हमला आवरों ने 11 फौजियों को मार दिया। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है कि 2 हमला आवर थे, 2 दहशतगर्द थे, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा, जिन्होंने फायरिंग की और एक्स सोवियत स्टेट से उनका ताल्लुक था। लेकिन रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये नहीं बताया कि कौन सी फॉर्मर सोवियत स्टेट, क्या जॉर्जिया थी, यूक्रेन थी, ताजिकिस्तान या कोई और फॉर्मर सोवियत स्टेट थी, उसका नाम रशिया ने नहीं लिया। बहरहाल इस खबर को रशिया ने भी कंफर्म किया कि 11 फौजी हलाक हो गए हैं रिजर्व फौजी और 18 से ज़ायद जख्मी हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जो मोबिलाइजेशन के हेड थे जिन्हें तैनात किया था रशिया के सदर व्लादिमीर पुटिन ने, वो भी मारे गए। किस तरह मारे गए ये मालूम नहीं, बहरहाल वो मारे गए, यानी कि यूक्रेन की कार्रवाई थी। और ये बहुत बड़ा मैसेज यूक्रेन ने दिया, एक तो इन 11 फौजियों पर हमला करवाकर, और दूसरा जो मोबिलाइजेशन के हेड थे उनको मरवाकर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, और मोराल को डाउन करने के लिए, जो रिजर्व फौजी हैं तो उनके मोराल को डाउन करने के लिए ये इकदाम यूक्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट इकदाम थे जो सक्सेसफुली यूक्रेन ने
कंडक्ट किए। अब रशिया की साइड पर आ जाते हैं, ये मैप आपको नजर आ रहा होगा। रशिया ने आज ही, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी की कि जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव है हम उसे पीछे धकेल रहे हैं। और ये मैप आपको नजर आ रहा होगा, इसमें जो रेड इलाके हैं ये वो इलाके हैं जो रशिया के अंडर कंट्रोल हैं, जो ब्लू इलाके हैं ये वो इलाके हैं नीले रंग के जो यूक्रेन ने अपने काउंटर ऑफेंसिव के दौरान कंट्रोल किए। और ये आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये जो इलाके हैं सर्कल हुए हुए हैं ग्रीन कलर के जो इलाके हैं, ये वो इलाके हैं जो रशिया ने कहा कि हमने यूक्रेन से वापस ले लिए, जो काउंटर ऑफेंसिव के दौरान यूक्रेन ने कंट्रोल किए थे, तो हमने कुछ इलाके यूक्रेन से वापस भी ले लिए और हम यूक्रेन की फोर्सेस को पीछे की जानिब धकेल रहे हैं। यानी कि दोनों जानिब से अपनी अपनी स्टेटमेंट्स, अपने अपने क्लेम्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसी वक्त रशिया ने बॉम्बर्स मूव किए हैं नेटो टेरिटरी के बहुत करीब। 7 बॉम्बर्स जो हैं वो पहले मूव किए थे रशिया ने, अब टोटल जो है सैटेलाइट इमेजेस ये बता रहे हैं कि रशिया टोटल 11 बॉम्बर्स को मूव कर चुका है नेटो बॉर्डर्स के साथ, नेटो मुमालिक की टेरिटरी के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ये बॉम्बर्स जो हैं वो, मैं आपको ये बता दूं कि न्यूक्लियर वेपन कैरी करते हैं ये बॉम्बर्स। इसका मतलब ये है कि रूस न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है, इसीलिए कुछ सैटेलाइट इमेजेस ये बता रहे हैं कि रशिया ने 11 बॉम्बर्स जो हैं वो मूव किए हैं नेटो टेरिटरी के बहुत करीब। व्लादिमीर पुतिन, रूस के सदर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्वीट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया की, उसकी जानिब से ट्वीट की गई है, आपको साइड पर नजर आ रही होगी। इसमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कोट करते हुए ये कहा गया कि जब कीव यूक्रेन का दारुल हकूमत रशिया के अंडर कंट्रोल था, रशिया के ट्रूप्स वहां पर मौजूद थे, तब तक यूक्रेन बातचीत के लिए एग्री कर रहा था, रशिया ओपन है बातचीत करने के लिए, लेकिन जब हमने अपने ट्रूप्स को वहां से विड्रॉ किया, विड्रॉल का अमल मुकम्मल किया यूक्रेन के दारुल हकूमत से, तब से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बहुत बड़ा मैसेज है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का, आगे चलकर आपको समझाता हूँ। बेलारूस की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई, बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि तकरीबन 9000, पूरे 9000 नहीं, तकरीबन 9000 रूसी फौजी पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं बेलारूस, और आने वाले दिनों में मुकम्मल तकरीबन 9000 फौजी जो हैं वो बेलारूस पहुंच जाएंगे। उसकी वजह क्या है, मैंने आपको बताया था कि बेलारूस और रशिया ने ज्वाइंट मिलिट्री जो है वो डिप्लॉय करनी है बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर। और बेलारूस ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ये कहा था कि मुझे थ्रेट है यूक्रेन से, मुझे थ्रेट है नेटो से, जिसके लिए मैं अपने आप को तैयार रखना चाहता हूं, जिसके जवाब में यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने ये कहा था कि हमारे पास इंटेलिजेंस है, अमेरिका और बरतानिया की थी वैसे वो इंटेलिजेंस। तो यूक्रेन के सदर ने ये कहा था कि बेलारूस कीव पर हमला करेगा और इसकी प्लानिंग जो नए कमांडर तैनात हुए हैं, जो नए हेड तैनात हुए हैं सर्गेई सोरोवकिन, उनका ये मनसूबा है कि कीव को कंट्रोल करना है, जिसकी तैयारी रशिया कर रहा है। इस वजह से बेलारूस के अंदर 9000 रूसी फौजी तैनात किए गए हैं और ये कीव को कंट्रोल करने की तैयारी है। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जो ट्वीट मैंने आपके साथ शेयर की अभी, तो उसे आप गौर से समझने की कोशिश करें तो उसका मतलब भी यही निकलता है कि अगर कीव को कंट्रोल कर लें तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है और तुम बातचीत की टेबल पर बैठ जाते हो, कीव को कंट्रोल नहीं किया हमने तो तुम्हारा जो है वो अकड़ गए तुम और बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं हो। ये आपको जो वीडियो नज़र आ रही है, अब ये बेलारूस में 9000 फौजियों से हटकर, 300,000 रिजर्व फौजियों से हटकर, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के ट्वीट से हटकर, ये जो फौजी हैं ये चेचन फौजी हैं। चेचन सरबराह रमजान कादिरोव ने मजीद हजारों फौजी मैदान जंग में उतारे हैं फ्रंट लाइन्स पर, जो ईस्टर्न यूक्रेन है, डोनियस्क को कंट्रोल करने का टास्क इन फौजियों को, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स इन्हें डोनियस्क को कंट्रोल करने का टास्क दिया गया। रमजान कादिरोव ने इन फौजियों को यहां से रवाना करते हुए अपनी तकरीर के अंदर क्या कहा, रमजान कादिरोव ने कहा कि नेटो का असलहा जो है वो हमारे चेचन फौजियों को, स्पिरिट को शिकस्त नहीं दे सकता। और ये चेचन फौजी भी रवाना हो गए हैं ईस्टर्न यूक्रेन डोनियस्क फ्रंट लाइंस के ऊपर। दूसरी साइड पर आ जाएं, अमेरिका ने मदद इमदाद असलहे गोले बारूद का ऐलान किया यूक्रेन के लिए, और उसमें 24 हाई मार्स हाई मोबिलिटी
आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स भी हैं, और इसके अलावा बहुत असलहा गोला बारूद जो है वो भारी लेवल का वो अमेरिका की जानिब से भिजवा दिया गया है यूक्रेन को। फ्रांस की जानिब से भी इसी तरह का असलहा प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रांस ने ये भी कहा कि हम आपके 2000 फौजियों को ट्रेनिंग देंगे, यूक्रेन के 2000 फौजियों को, और एयर डिफेंस सिस्टम भी आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपके जो कंसर्न्स हैं कीव पर हमले से मुतल्लिक या कीव पर कब्जे से मुतल्लिक, तो आप उन एयर स्ट्राइक्स को रोकने के काबिल हो जाएंगे जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से, जिसके लिए फ्रांस ट्रेनिंग तो देगा यूक्रेन के 2000 फौजियों को। लेकिन फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रॉन, बहुत ज़्यादा उन पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनके एक स्टेटमेंट को, जिसमें फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि अगर ये जो बॉम्बर्स मूव हो रहे हैं, जो रशिया न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने के लिए तैयारियां कर रहा है, तो अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर देता है यूक्रेन पर, तो फ्रांस रद्द अमल में कुछ नहीं करेगा। तो इस पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रॉन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है आजकल के, आपने इस तरह के स्टेटमेंट देकर आपने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को शह दी। लेकिन इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि भाई हमारा तो एक सीधी सी स्ट्रेटजी है कि हम पराई जंग में कूदने के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन नहीं निकालते, और अगर एक मुल्क न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर रहा है तो हम उसे रोकने आएंगे, तो क्या गारंटी है कि वो फ्रांस पर हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। यानी कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रॉन और दीगर जो यूरोपियन और नेटो ममालिक के सरबराहान हैं वो बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, यूक्रेन की मदद इमदाद हो या फिर रशिया के साथ ताल्लुकात तोड़ने का मामला हो। और फिर इलॉन मस्क जो स्पेसएक्स के मालिक हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके मजीद डरा दिया नेटो और यूरोपियन कंट्रीज़ को। उन्होंने कहा मुझे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बताया था कि मैं न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करूँगा एक सूरत में कि अगर क्रीमिया को कंट्रोल करने की कोशिश की यूक्रेन ने या क्रीमिया पर हमला करने की प्लानिंग की यूक्रेन ने नेटो के साथ मिलकर, तो इसी वजह से मैं तैयारी कर रहा हूं और मैं ये न्यूक्लियर हथियार चला दूंगा अगर मुझे महसूस हुआ कि क्रीमिया खतरे के अंदर है। तो ये थी आज की डिटेल्स, गुज़िश्ता दो रोज़ की डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दी क्विकली स्किम स्कैन करके, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बता दी कि रूस के सदर की ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि कीव कंट्रोल था तो तुम बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार थे, कीव कंट्रोल नहीं है तो तुम बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं हो। बेलारूस में 9000 फौजियों का जाना, चेचन फौजियों का फ्रंट लाइंस पर मूव होना, बॉम्बर्स 11 बॉम्बर्स का रशिया के नेटो की सरहदों के करीब डिप्लॉय होना, ये बहुत बड़ा मैसेज है यूक्रेन के लिए, बहुत बड़ा मैसेज है नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए कि रशिया अपने नए कमांडर की सरबराही में क्या करने वाला है आने वाले दिनों में। पहली किस्त में तो यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर हुआ था हमला, अब दूसरी किस्त जो दमित्री मेदवेदेव ने कहा था कि दूसरी किस्त भी आएगी, तो दूसरी किस्त में इस सब डिटेल को देखने के बाद ऐसा लगता है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ऐसा लगता है कि दूसरी किस्त में रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत को कंट्रोल करेगा, उस पर कब्जा करेगा। क्या ऐसा होगा, नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।